हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। MPBSC मेंस के लिए या आप किसी भी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हम आज केस स्टडी पढ़ने वाले हैं। 2 से 3 केस स्टडी के हम एग्जांपल पढ़ेंगे और जिससे ये मैं पढ़ा रही हूँ आपको मेंस के नोट्स के साथ एक केस स्टडी की बुकलेट मिलेगी, उससे मैं आपको ये तैयार करवा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला केस स्टडी का केस क्या है? आप नगर पालिका परिषद में निर्माण विभाग में अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात हैं। मतलब आप एक अभियंता हैं नगर पालिका परिषद में और वर्तमान में जो ऊपरगामी पुल होता है मतलब फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के प्रभारी हैं। आपके अधीन 2 कनिष्ठ अभियंता हैं, मतलब 2 छोटे अभियंता हैं जो प्रतिदिन निर्माण स्थल के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी हैं तथा आपको विवरण देते हैं और विभाग के अध्यक्ष मुख्य अभियंता को रिपोर्ट देते हैं। निर्माण कार्य पूरे होने को है, निर्माण कार्य पूर्ण होने को है और कनिष्ठ अभियंता नियमित रूप से यह सूचित कर रहे हैं कि निर्माण कार्य परिकल्पना के विनिर्देशों के अनुरूप हो रहा है, लेकिन आपने अपने आकस्मिक निरीक्षण में कुछ गंभीर विसमानताएं व कमियां पाईं जो आपके विवेक अनुसार पुल की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं। इस स्तर पर इन कमियों को दूर करने में काफ़ी निर्माण कार्य को गिराना और दोबारा बनाना होगा, जिससे ठेकेदार को निश्चित हानि होगी और कार्य समाप्ति में विलंब भी होगा। क्षेत्र में भारी ट्रैफिक जाम के कारण परिषद पर निर्माण शीघ्र पूरा करने के लिए जनता का भी बड़ा दबाव है। जब आप स्थिति मुख्य अभियंता के संज्ञान में लाए तो उन्होंने इसके विवेक अनुसार इसको बड़ा गंभीर दोष न मानकर इसे कहा कि उपेक्षित कर दो। उन्होंने परियोजना को समय से पूरा करने हेतु कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कहा, परंतु आप आश्वस्त हैं कि यह गंभीर प्रकरण है जिससे जनता की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है और इसका भिन्ना ठीक कराए नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसी स्थिति में आपको करने के लिए कुछ विकल्प हैं। इनमें से प्रत्येक विकल्प का गुण दोष के आधार पर मूल्यांकन कर अंततः सुझाव दीजिए कि आप क्या कार्यवाही करना चाहेंगे। जब भी आप केस स्टडी का आंसर लिखते हैं तो इसमें जो नैतिक वर्ड होते हैं ना, उनका मेन आपको यूज़ करना है। अब हम पहला क्वेश्चन देखिए। पहला विकल्प है मुख्य अभियंता की सलाह को मानकर आगे बढ़ जाएं। दूसरा विकल्प है सभी तथ्यों व विश्लेषण को दिखाते हुए स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें और मुख्य अभियंता से लिखकर लिखित आदेश का निवेदन करें। तीसरा है कनिष्ठ अभियंताओं से स्पष्टीकरण मांगें और ठेकेदारों को निश्चित अवधि में दोष निवारण के लिए आदेश दें। चौथा है इस विषय में को बलपूर्वक उठाएं ताकि वह मुख्य अभियंता के वरिष्ठजनों तक पहुँचे। पांचवा है मुख्य अभियंता के अनम्य विचार को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना से अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन करें या बीमारी की छुट्टी पर चले जाएं। अब इन 5 विकल्प में से कौन सा विकल्प उचित रहेगा वो आपको आंसर में लिखना है। पहला विकल्प क्या था कि मुख्य अभियंता की सलाह को मानकर आगे बढ़े। हम पहले विकल्प का आंसर देखते हैं। यदि अधिशासी अभियंता स्वयं आश्वस्त है कि पुल के निर्माण में गंभीर कमियां हैं जो पुल की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं, तो ऐसी स्थिति में एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में वह अपने मुख्य अभियंता की सलाह को नहीं मान सकता। यद्यपि मुख्य अभियंता का अनुभव अधिक है, फिर भी वह कार्यस्थल की वास्तविकता से परिचित नहीं, अतः यह विकल्प उचित नहीं है कि अधिशासी अभियंता मुख्य अभियंता की सलाह को मानकर आगे बढ़ जाए। दूसरा विकल्प देखते हैं। दूसरा विकल्प क्या था? दूसरा विकल्प था कि सभी तथ्यों विश्लेषण की स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें और मुख्य अभियंता से लिखित आदेश लें। तो अब हम दूसरा विकल्प देखें। यह विकल्प उचित प्रतीत हो, जो दूसरा विकल्प है वो थोड़ा उचित प्रतीत होता है क्योंकि इसमें मुख्य अभियंता मुद्दे की वास्तविकता व तथ्यात्मक जानकारी से परिचित होकर अपनी सलाह पर पुनर्विचार कर सकते हैं, किंतु दूसरी ओर यह भी संभव है कि मुख्य अभियंता इस कदम को अपनी सलाह की अवहेलना मानकर आक्रोश में सत्य को छिपाने का प्रयास करें। ऐसी स्थिति में अधिशासी अधिकारी तकनीकी रूप से तो अपने स्तर से चूक करने से बच जाएगा, किंतु अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के प्रति आत्मग्लानि उसे परेशान करती रहेगी। विभागीय नियमों की दृष्टि से तो यह तीसरा विकल्प उचित है, किंतु इससे कार्य में विलंब एवं अनावश्यक तर्क वितर्क बढ़ेगा क्योंकि दोनों कनिष्ठ अभियंता जिन्होंने लापरवाही और तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया है अपने बचाव में दलील पेश करेंगे तथा अनुचित दबाव भी बनाएंगे। ठेकेदार भी पुनर्निर्माण के खर्च व अधिक समय लगने से बचने के लिए तर्क वितर्क करेगा और अनुचित तरीकों का प्रयोग भी कर सकता है, अतः यह विकल्प केवल विभागीय नियमों की पूर्ति में सहायक होगा, व्यवहार में यह कारगर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखते हैं। चौथा क्या था? इस विषय को बलपूर्वक उठाएं।
मुख्य अभियंता के वरिष्ठ जनों तक मामले को पहुंचाने के लिए विभागीय प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है अथवा सीधे वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में मामला लाया जा सकता है। एक लोक सेवक द्वारा मामले को सार्वजनिक रूप से उठाना किसी भी दृष्टि के लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं, मतलब चौथा विकल्प भी सही नहीं है। पाँचवा विकल्प क्या था? मुख्य अभियंता के अनम्य विचार को ध्यान में रखें और अपना स्थानांतरण करें या छुट्टी लें। इस विकल्प के अनुसार बीमारी की छुट्टी ले लेना या अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन करना एक अच्छे अधिकारी के लिए पूर्णतः अनुचित, इससे अधिशासी अभियंता की अक्षमता और उत्तरदायित्व से बचने की प्रवृत्ति का पता चलता है। इससे पता चलता है कि अधिकारी को अपने स्वार्थ की अधिक चिंता है, जनता के जीवन और सरकारी संपत्ति की हानि की कोई चिंता नहीं। अतः विकल्प ये वाला भी सही नहीं है। मेरी दृष्टि से जो दूसरा वाला विकल्प है, अधिशासी अभियंता को मामले की वास्तविकता व तथ्यात्मक जानकारी की रिपोर्ट मुख्य अभियंता को देने के साथ साथ उसकी जो प्रतिलिपि है वो उसके वरिष्ठों को भी उपलब्ध कराई जाए। दूसरी ओर कनिष्ठ अभियंताओं व ठेकेदार से बात करके उनकी परिस्थिति की गंभीरता व कर्तव्य निष्ठा को समझाने का प्रयास भी किया जाए। किसी भी स्थिति में गंभीर कमियों के साथ पुल का निर्माण पूर्ण ना होने दें। सत्य सामने आने, गलती स्वीकार करके पुनर्निर्माण कराने से जनता के बीच भी अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि मुद्दा अत्यंत जनता की जीवन रक्षा से जुड़ा है, इससे जन दबाव भी कम होगा। ये हमारा पहला केस स्टडी था। दूसरे केस स्टडी पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारा मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं, मेंस के पैकेज में आपको फोर्थ पेपर के साथ ये केस स्टडी की बुकलेट भी मिलेगी, जिसमें बहुत सारी केस स्टडी के एग्जांपल हैं, हर तरह की केस स्टडी है। जैसा कि अभी तक एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग स्टेटों के एग्जाम में पूछा गया है, वो सभी इसमें कवर किया गया है। मेरा जो मेंस का पैकेज है उसमें आपको टोटल 44 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें आपको 12 बुकलेट 3 नंबर की मिलती हैं और 32 बुकलेट 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती है। इसके साथ में आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलते हैं। इन 25 व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं, करंट से संबंधित कोई भी ज्वलंत मुद्दा हो जो करंट में चल रहा हो, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हो, वो क्वेश्चन यहां पे दिए जाते हैं। 25 व्हाट्सएप के जो पेड ग्रुप हैं ये केवल उन्हें ही दिए जाते हैं जो हमारे नोट्स को परचेस करते हैं। साथ में इस तरह की केस स्टडी की बुकलेट हुई, प्रारूप लेखन की बुकलेट हुई, ये भी दिए, मतलब पूरा का पूरा फर्स्ट पेपर से लेकर 6th पेपर तक जो भी सिलेबस में है, चाहे निबंध हो, निबंध में जो जो सिलेबस में दिया है वो सभी टॉपिक कवर किए हैं। प्रारूप लेखन में चाहे प्रतिवेदन हो, चाहे आपका सरकारी अर्ध सरकारी पत्र हो, हर कुछ रिपोर्ट आज हो, सब कुछ जो भी अनुस्मारक हो, तो ये सभी के लिए प्रारूप लेखन की बुकलेट आपको मिलती है। और साथ में 25 व्हाट्सएप के ग्रुप जो मिलते हैं उसमें आपकी तैयारी कराई जाती है। कहीं भी भारत में रहते हो 8 से 10 वर्किंग डेज में ये आपके पास पहुंच जाते हैं। आपको अगर नोट्स लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, आप नोट्स का रिव्यू देखेंगे। नोट्स का रिव्यू यही है जो आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। वीडियो में इसलिए ही बनाती हूँ कि ताकि आपको नोट्स देखें और संतुष्ट हो। बहुत सारी बुकलेट मेरी पूरी पूरी रिव्यू डली हुई हो, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री डला हुआ है, पॉलिटी इकोनॉमी हिस्ट्री बहुत सारे ज्योग्राफी, ये सब पूरा का पूरा डला हुआ है, तो आप वीडियो के थ्रू भी उसको देख सकते हैं। फिर आपको मेरे को पेमेंट करना है, एड्रेस भेजना है, आपके पास 8 से 10 वर्किंग डेज में पहुंच जाएंगे। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आप ले सकते हैं, मतलब पीडीएफ फॉर्म में, और इसकी हार्ड कॉपी आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है तमिलनाडु में सिपकासी पटाखा और दियासलाई दलाई, जो सिपकासी है वो पटाखा और दियासलाई निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था भी पटाखा उद्योग पर निर्भर है, इसी से यहाँ का आर्थिक विकास हुआ है और रहन सहन सुधरा है। जहाँ तक पटाखा उद्योग जैसे खतरनाक उद्योगों के लिए बाल श्रमिक नियमों का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने श्रम हेतु नियम न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित की है और भारत में यह 14 वर्ष है। पटाखों के औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों को पंजीकृत तथा अपंजीकृत दो श्रेणियों में बांटा है। घरों पर आधारित कार्यशालाएं एक विशिष्ट इकाई है, यद्यपि पंजीकृत अपंजीकृत इकाइयों में बाल श्रमिक रोजगार के विषय में कानून स्पष्ट है, घरों पर आधारित कार्य इसके अंतर्गत नहीं आते। ऐसी इकाइयों में माना जाता था कि बालक अपने माता पिता व संबंधियों की देखरेख में कार्य कर रहे हैं। बाल श्रमिक मानकों से बचने के लिए अनेक इकाइयां अपने को घरों पर आधारित कार्य बताती हैं और बाहरी बालकों को रोजगार देती हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बालकों की भर्ती से इन इकाइयों की लागत बचती है, जिससे उनके मालिकों को अधिक लाभ मिलता है। आपने सिपकासी गए और आपने एक इकाई का दौरा किया जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के लगभग 10 से 15 बालक काम करते हैं। आपने सिपकासी में एक दौरा किया जिसमें आपने क्या पाया कि 14 वर्ष से कम आयु के 10-15 बालक काम कर रहे हैं। उसका मालिक आपको इकाई परिसर में घुमाता है, मालिक आपको बताता है कि घर आधारित इकाई में भी बालक उसके सगे संबंधी हैं। आप देखते हैं कि जब मालिक यह बता रहा है तो कई बालक खीस निपोड़ते हैं, मतलब बुरा मुंह बनाते हैं। गहन पूछताछ में आप जान पाते हैं कि मालिक और बालक परस्पर कोई संबंध संतोषजनक रूप से सिद्ध नहीं कर पाए।
इस प्रकरण में अंतर्ग्रस्त नैतिक विषय स्पष्ट कीजिए और उसकी व्याख्या कीजिए। इस दौरे के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी ये बताइए। आपको इन दोनों के आंसर ही आपको लिखना है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर से जुड़ जाइएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा। पहला देखते हैं कि आपके मन में जो नैतिक विषय आपके अंतर्गत जागे हैं वो क्या क्या हैं। तो उपरोक्त प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण नैतिक विषय है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का खतरनाक औद्योगिक इकाई में श्रमिक के रूप में कार्य करना। बाल श्रम के कारण बच्चे के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बच्चे शिक्षा से भी वंचित हो जाते हैं, जो कि उन्हें अज्ञानता और उसके कारण शोषण के गर्त में धकेल देता है। शिक्षा और समुचित विकास के अभाव में बच्चे अच्छे नागरिक नहीं बन पाते हैं तथा स्वयं के और अपने देश के विकास में अपेक्षित योगदान भी नहीं दे पाते हैं। यह नैतिक विषय है कि बाल श्रम देश में जागरूकता के अभाव और गरीबी को प्रकट करता है। माता पिता किसी मजबूरी या सामान्य अवस्था में भी यदि धन के लालच में यदि बच्चों के कारखाने भेजते हैं तो उससे जागरूकता का अभाव ही कहा जाएगा। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि सरकार द्वारा बच्चों के विकास और शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। दूसरी ओर गरीबी के कारण मजदूरी में भी बच्चे श्रम करते हैं। यह भी एक नैतिक अभिशाप है कि आज भी समाज में ऐसे परिवार हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बच्चों को मजदूरी हेतु भेजते हैं। इकाइयों के मालिक लोभ के कारण छोटे बच्चों से मजदूरी कराते हैं, उनका शोषण करते हैं और स्वयं लाभ कमाते हैं। यह भी बहुत अनैतिक है। साथ ही जांच होने पर झूठ बोलकर श्रमिक बच्चों को अपना संबंधी बताना भी नैतिकता के विरुद्ध है। सिपकासी की एक घर आधारित पटाखा बनाने के दौर में अब दूसरा क्या था, दूसरा करने वाले हैं हम, दूसरे का जो दूसरा क्वेश्चन था, एक सेकेंड, दूसरा इस दौरे के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। अब आप वो दूसरा बोलेंगे, आप दौरे की क्या प्रतिक्रिया हुई। सिपकासी के एक घर पटाखा कारखाने के दौरान जब यह स्पष्ट हो जाता है कारखाने में कि वहाँ मजदूरी कर रहे बच्चे 14 से कम के हैं, इकाई मालिक के पारिवारिक के संबंधी भी नहीं है, तब सबसे पहला कदम उन बच्चों को वहाँ से मुक्त कराना होगा। उनके माता पिता के हाथों में उन बच्चों को सुरक्षित सौंपा जाए। बच्चों की समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना भी आवश्यक है। यह भी संभव है कि गरीबी के कारण माता पिता बच्चों को पढ़ाने ना भेजे, तब उन्हें इस बारे में जागरूक करना तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा और मध्याह्न भोजन जैसी योजनाओं के बारे में उन्हें बताना होगा। इकाई के मालिक के विरुद्ध बाल श्रम निरोधक कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्यवाही करना भी आवश्यक है, इससे वह गलत कार्य के लिए दंडित होगा। अन्य इकाई मालिक भी अनैतिक बाल श्रम से बचने के लिए प्रेरित होंगे। बाल श्रम का एक बड़ा कारण उनके परिवारों की गरीबी होती है, था ऐसे मामलों में बच्चों के माता पिता तथा अन्य परिवारजनों को रोजगार प्राप्त हो, इसके लिए भी सरकारी व सामाजिक स्तर पर प्रयास करना चाहिए। इस हेतु इकाई मालिकों तथा ऐसे बच्चों के माता पिता के मध्य प्रेरणा व जागरूकता उत्पन्न करनी होगी। प्रायः देखा जाता है कि इस प्रकार के स्थानीय उद्योगों में बड़ी संख्या में अप्रशिक्षित मजदूर कार्य करने आते हैं। यदि ऐसे मजदूरों के प्रशिक्षण हेतु सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर कार्यशालाएं तथा 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होने चाहिए। जब इकाई मालिकों को प्रशिक्षित श्रमिक मिलेंगे तो उनके उत्पादन और लाभांश में अपेक्षाकृत वृद्धि होगी। तो इकाई मालिक अप्रशिक्षित बच्चों की अपेक्षा प्रशिक्षित श्रमिकों को नियुक्त करना अधिक पसंद करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी आज हमने दो केस स्टडी पढ़ी, बहुत ही शानदार केस स्टडी थी। ऐसी बहुत सारी केस स्टडी आपको ये मेरे मेंस के नोट्स में मिलेगी, तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिएगा। वीडियो के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।